वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज पॉइंट। और आज हम बनाएंगे डलगोना शेक। कॉफ़ी डलगोना तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी सबका फेवरेट होता है, लेकिन साथ ही आज हम बनाने वाले हैं ओरियो डलगोना, मैंगो डलगोना और स्ट्रॉबेरी डलगोना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप क्रीम ले ली है, ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। आप इसमें अमूल क्रीम जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम शिफ्ट कर लेंगे इस बाउल में। और इस बाउल को मैंने पहले फ्रिज में रख लिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है बाहर निकालने से क्रीम। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हुआ है और इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा है। अभी इसको हम 1 मिनट और व्हिप कर लेंगे। ये देखिए इसका वॉल्यूम कितना बढ़ चुका है। अब हमें 3 तरह के डलगोना शेक बनाने हैं, तो इस क्रीम को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं डलगोना। कॉफ़ी तो सबकी फेवरेट होती ही है, लेकिन यदि ये शेक आप एक बार बनाएंगे तो ये भी आप सबके बहुत फेवरेट हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो डलगोना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप चॉप्ड मैंगो ले लिया है। इसको हम इसमें डालकर अब बीट कर लेंगे। आप चाहे तो मैंगो को मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं, पर मैं इसको बीटर से ही बीट करूंगी। हम इसे बीट कर लेंगे बीटर से। अब ये मैंगो क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक के लिए क्रीम। उसके लिए मैं यहाँ पर ये हर्षी वाला ये सिरप जो होता है ये यूज़ कर रही हूँ। इसको इसमें डाल देंगे। आपके पास यदि एसेंस है तो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कलर डालना होगा। इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। हमारी स्ट्रॉबेरी क्रीम भी अब तैयार हो चुकी है। तीसरा हमें बनाना है ओरियो डलगोना शेक। तो उसके लिए मैंने ओरियो के बिस्किट ले लिए हैं। उसके लिए क्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन बिस्किट को क्रश करना होगा। ये मैंने एक ऐसा ज़िपलॉक बैग ले लिया है, इसमें डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे और अब इनको हम क्रश कर लेंगे। ये देखिए बिस्किट हमारे अच्छे से क्रश हो चुके हैं। इनको मैं निकालूंगी एक बाउल में अलग से। बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है ओरियो शेक। इसके लिए हम इस क्रीम को पहले थोड़ा सा ऐसे ही बीट करेंगे। इसमें 1 चम्मच ये बिस्किट का जो क्रश हमने बनाया है ये डाल लेंगे, फिर से बीट कर लेंगे। हमारी 3 तरह की क्रीम तैयार हो चुकी है। अब शुरू करते हैं अपना डलगोना शेक बनाना। सबसे पहले हम बनाते हैं ओरियो शेक। उसके लिए मैंने ग्लास ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने बचाया था बिस्किट का क्रश ये डाल दूंगी नीचे। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी आइस क्यूब्स। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी अब दूध। दूध में आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच चीनी इस दूध में पहले से मिला के रखी है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ओरियो क्रीम जो मैंने तैयार की थी।
अच्छे से फिल कर देंगे उसको। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये एक, ये मैंने ओरियो का बिस्किट ले लिया है, इसको बीच में इस तरह से हम रख के नाइफ कट कर लेंगे। देखिए कट कर लिया मैंने, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। ये तैयार है हमारा ओरियो डलगोना। अब हम बनाएंगे मैंगो डलगोना। उसके लिए इस ग्लास में सबसे पहले मैं ये मैंगो डाल दूँगी थोड़े से, आइस क्यूब्स डाल देंगे इसके ऊपर, हम ये दूध डाल देंगे, बस इतना ही दूध डालना है। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मैंगो क्रीम जो मैंने तैयार की थी। बहुत टेस्टी लगता है ये मैंगो डलगोना भी। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़े से मैंगो। तैयार है हमारा मैंगो डलगोना। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी डलगोना। उसके लिए इस ग्लास में सबसे पहले मैं इस तरह से चारों तरफ लगा लूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आइस क्यूब्स। डाल देंगे इसके ऊपर दूध, और अब इसके ऊपर हमें डालना है ये स्ट्रॉबेरी क्रीम जो मैंने तैयार की थी। थोड़ा सा इसके ऊपर ही डाल देंगे सिरप, या आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, उसे भी डेकोरेशन इसकी कर सकते हैं। तैयार है हमारा स्ट्रॉबेरी डलगोना। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे तीनों शेक, स्ट्रॉबेरी डलगोना शेक, मैंगो डलगोना शेक और ओरियो डलगोना शेक। बच्चों के साथ साथ ही बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये है 3-in-1 डलगोना। मैंने जो तीनों डलगोना बनाए हैं उन्हीं की थोड़ी थोड़ी क्रीम बच गई थी। मैंने नीचे सबसे पहले एक ओरियो बिस्किट डाला है क्रश करके, थोड़ा सा ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है, थोड़ा सा मैंगो मैंने डाला है, उसके ऊपर मैंने आइस क्यूब्स डालकर दूध डाला, और फिर तीनों तरह की एक एक स्पून मैंने क्रीम डाली है, और उसके ऊपर मैंने इन सब चीज़ों से इसको गार्निश किया है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भी और पीने में भी, कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, इसको देख के ही पता चल रहा है। Thank you.